हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नवे वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले कि व्हाट इज स्ट्रिंग। देखिए स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप स्ट्रिंग लिखते हो तो क्या होता है, किस लिए हम यूज करते हो, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले। ये वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए देखते हैं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप आखिर होता क्या है। तो देखिए स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन अ प्रोग्राम। तो देखिए जब भी हमें कुछ कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने, जैसे कैरेक्टर का मतलब क्या, हमारे जो ए बी सी डी इस तरह से हमारे जो कैरेक्टर होते हैं उसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना है प्रोग्राम में तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का यूज करते हैं। ये क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। जैसे कि मान लो मुझे हेलो प्रिंट करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग ये जो डेटा टाइप है ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, यस ए नाम लिया, उसके बाद इसकी साइज ली कि 10 कैरेक्टर का मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना है, इक्वल टू डबल कोट के अंदर हेलो लिखा। अब देखिए ये जो डबल कोट है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को डिफाइन करना है तो आपको जो है उसे डबल कोट के अंदर लिखना पड़ता है। मान लो मुझे एबीसी प्रिंट करना है तो ये डबल कोट के अंदर ही लिखना पड़ता है। अगर डबल कोट नहीं लिखोगे तो ये यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको जो कैरेक्टर वगैरह जो यहाँ पे नाम प्रिंट कराना है किसी का तो आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करना पड़ता है, और स्ट्रिंग डेटा टाइप हमेशा डबल कोट के अंदर ही यहाँ पे लिखा जाता है। स्ट्रिंग आर टिपिकली एनक्लोज इन कोटेशन मार्क एंड कैन इंक्लूड लेटर्स डिजिट सिंबल्स एंड वाइट स्पेसेस। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्ट्रिंग होती है इसमें आप कैरेक्टर जो होते हैं सिर्फ ए बी सी डी भी ले सकते हो, या फिर इसमें आप 1, 2, 3 या स्पेस भी दे सकते हो। मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, हेलो वर्ड लिखा, बट हेलो वर्ड के बाद में यहाँ पे स्पेस भी दे सकता हूँ, हेलो वर्ड इस तरह से स्पेस दे सकता हूँ, या फिर मैं 1, 2, 3 लिख सकता हूँ आगे। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ले सकता हूँ, डबल कोट के अंदर इसने लिखना पड़ेगा और मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ, अंडरस्कोर वगैरह जो सिंबल्स वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये इनम्यूटेबल होते हैं। देखिए स्ट्रिंग जो होती है एक इनम्यूटेबल होती है। इसका मतलब क्या कि बहुत से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वहाँ पे क्या होती है कि स्ट्रिंग इनम्यूटेबल होते हैं, मतलब इसका जो कंटेंट है वो बाद में जो है चेंज नहीं हो सकता। मतलब एक बार हमने यहाँ पे हेलो कर दिया, अभी हेलो कर दिया, तो कुछ लैंग्वेजेस में इसका चेंज अगर नीचे हम इसे चेंज करने जाए तो चेंज नहीं होगा, उसे हम इनम्यूटेबल कहा जाता है। उसके बाद आता है इसमें कॉन्कैटिनेशन होता है। देखिए मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग यस वन लिया, उसका साइज कुछ 10 लिया और उसमें लिख दिया हेलो, सॉरी यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ, वर्ड यहाँ पे हेलो है, यहाँ पे वर्ल्ड है। तो हम क्या कर सकते हो, इन दोनों को कंबाइन करके भी दिखा सकते हो, मतलब कॉन्कैटिनेट जिसे कहा जाता है वो भी हम कर सकते हो। मतलब कॉन्कैटिनेट के बाद क्या होगा, हेलो उसके बाद वर्ल्ड हो जाएगा, इस तरह से कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। स्लाइस भी कर सकते हो। स्लाइस का मतलब क्या होता है कि मान लो मुझे ये अलग करना है और लो अलग करना है, तो ये भी हम कर सकते हो। स्लाइस का मतलब दो, एक ही स्ट्रिंग के दो स्ट्रिंग हम यहाँ पे कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ना अलग अलग मेथड्स भी होते हैं, स्ट्रिंग के अलग अलग मेथड्स भी होते हैं जहाँ पे हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान लो हमें इसकी लेंथ निकालनी है, उसे अपर केस में डालना है, लोअर केस में डालना है, तो इसके आपको मेथड्स मिल जाते हैं। मतलब अगर आपको इसके लेंथ निकालनी है तो आप लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हो, जो मेथड होती है ये आप यूज कर सकते हो। तो ये होता है स्ट्रिंग। और इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, वहां पे भी मैं आपको बता दूंगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो।